वेस्टइंडीज और भारत के बीच में 5 टी20 मैचेस की जो शुरुआत है वो होने जा रही है 29 जुलाई से, और इसके लिए भारतीय टीम का जो चयन है वो अलग तरीके से किया गया, और उसमें टी20 में खेलने वाले जो प्लेयर्स हैं अभी वेस्टइंडीज नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अब जो खबर आ रही है टीम इंडिया को लेकर के, टी20 को लेकर के, वो सबसे बड़ी खबर यही है कि रविचंद्रन अश्विन, दिनेश कार्तिक और उसके साथ ही साथ अगर देखें जो भुवनेश्वर कुमार और कुलदीप यादव, ये तमाम खिलाड़ी रवाना हो चुके हैं वेस्टइंडीज के लिए, बहुत जल्द वो टीम को ज्वाइन करेंगे। जबकि आप बता दें कि जसप्रीत बुमराह को इस पूरे दौरे के लिए रेस्ट दिया गया था, और वहीं रोहित शर्मा टीम के जो कप्तान हैं और साथ ही साथ ऋषभ पंत, ये दोनों अभी यूके में हैं, वहां पर छुट्टियां मना रहे हैं, और जैसे ही उनकी छुट्टियां समाप्त होगी वो भी वेस्टइंडीज में जाकर के टीम को ज्वाइन कर लेंगे। और आपको बता दें कि 27 तारीख तक किसी भी हाल में इन दोनों भी खिलाड़ियों को टीम को ज्वाइन कर लेना, यानी कि जो भी टी20 की जो टीम है, जो टी20 के प्लेयर्स हैं, वो सारे टीम इंडिया को ज्वाइन कर लेंगे 29 जुलाई से पहले, यानी कि 27 जुलाई को ज्वाइन करेंगे, 29 जुलाई को पहला टी20 मुकाबला खेला जाएगा। और ऐसे में अभी के हिसाब से जो सबसे बड़ी खबर यही है कि जो भारत में प्लेयर्स जो इंग्लैंड से लौट आए थे, जिसमें कि अगर आप देखें दिनेश कार्तिक भी शामिल थे, उसके साथ साथ अगर देखें तो अश्विन भी वहां पर थे, और फिफ्थ टेस्ट में हालांकि उनको मौका मिला नहीं था, लेकिन इनके आने के बाद अब यहां से ये रवानगी भर चुके हैं, ये वेस्टइंडीज जो है वो पहुंचने वाले हैं और वेस्टइंडीज में जाकर टीम के साथ ही जुड़ जाएंगे, जबकि रोहित शर्मा और ऋषभ पंत सीधे यूके से वेस्टइंडीज पहुंचेंगे अपनी छुट्टियां मना करके। तो उम्मीद करेंगे कि जब ये नई टीम पहुंचेगी वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 खेलने के लिए, वहां पर भारत का दमदार परफॉर्मेंस होगा। ओडीआई मैच में भारतीय टीम जीती है, लेकिन संघर्ष करके जीती है, बट टी20 शानदार अंदाज में, रोहित की कप्तानी में हम जीतेंगे, यही उम्मीद करते हैं। आपको कैसी लगी स्टोरी आप हमें कमेंट कर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा।